प्राइवेट हॉस्पिटल से मिला छुटकारा, स्थानीय जनता में दौड़ी खुशी की लहर। गोवर्धन सामुदायिक केंद्र ने जनता को दी एक बड़ी सौगात, जहां प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी कराने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल की दर दर ठोकरें खानी पड़ती थी तथा अपनी जेब कटवानी पड़ती थी, अब स्थानीय जनता को मिला इस भारी संकट से छुटकारा। गोवर्धन सामुदायिक केंद्र पर 3 महिलाओं की सर्जिकल डिलीवरी की गई, जिसमें बच्चा व जच्चा स्वस्थ हैं। गूगल सामुदायिक केंद्र पर अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा यह कार्य निपटा के साथ किया जा रहा है, जिसके कारण स्थानीय जनता में खुशी की लहर दौड़ गई है। परिजनों ने भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, जिसकी जानकारी लेने जब मीडिया की टीम नहीं तो परिजनों ने मीडिया की टीम से बात करते हुए बताया कि यह सुविधा पहले सामुदायिक केंद्र गोवर्धन पर नहीं थी, मगर जब से यह शुरू हुई है तभी से लोगों को इस सुविधा का लाभ मिलना है तथा पहले हमको प्राइवेट हॉस्पिटलों में दर दर की ठोकरें खानी पड़ती तथा एक मोटी अच्छी खासी रकम देनी पड़ती थी, मगर अभी ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर निःशुल्क रूप से यह सुविधा हम लोगों को यहाँ पर मिल रही है। सामुदायिक केंद्र प्रभारी डॉक्टर जीतेश तिवारी ने मीडिया की टीम को बताया कि 2 फरवरी को यह श्रद्धा माई सामुदायिक केंद्र पर शुरू हुई थी। आज तक हम 5 ऑपरेशन कर चुके हैं। 500 ऑपरेशन अनुभवी डॉक्टरों की टीम के द्वारा किए गए हैं, जिससे कि जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे, इसकी खुशी जाहिर की। क्या नाम है आपका? कहां कौन से गांव से हो? गोवर्धन से। क्या नाम है आपका? जन्नत। जन्नत जी, आज जैसे कि आपके परिजनों का यहां ऑपरेशन हुआ है, बच्चा भी हुआ है, यहां सुविधा कैसी मिली आपको? सही है, सही सुना है। और पहली बार यहाँ ऑपरेशन से बच्चे होने लगे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मैं भी यहीं पे करवाऊंगी अपना भी। नहीं, पहले है ना प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ता था, वहाँ काफी जेब कटती थी। हाँ, और काफी मोटे रकम ली जाती थी। यहाँ पे तो सब ठीक हो गया, जल्दी भी हो गया। क्या नाम है आपका? हेमलता। कहाँ से हो? आनोर से। ये जो डिलीवरी हुई है आपकी, कौन लगती है? सिस्टर है। पहली बार यहाँ पे डिलीवरी हुई है और सरकारी हॉस्पिटल के माध्यम से हुई है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पहली बार ही कराई है, पहले तो सरकारी में करवाई थी, प्राइवेट में। तो प्राइवेट में तो एक मोटी खासी रकम जाती थी, तो अच्छा लग रहा है आपको? इसमें तो अच्छा लग रहा है। जैसा की सर्जिकल के द्वारा यहाँ पे जच्चा बच्चा का ऑपरेशन हुआ है और बच्चे भी हुए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? और जच्चा बच्चा की हालत कैसी है? देखिए, आज सुबह से जो है हमारे पास 4 केस हो चुके हैं, जिसमें 3 तो मतलब डिलीवर हो चुके हैं, जिसमें जच्चा बच्चा स्वस्थ हैं। 4th केस रनिंग पे है और इसमें जो है ये HRP केस में महिलाएं थी, जिनका पहले जो है ऑपरेशन हो चुका था या कुछ में और कुछ कमियां थी, उसके वजह से ऑपरेशन के इंडिकेशन थे इसमें। तो आज सुबह प्लान करके हमने इनको ऑपरेशन किया और जैसा आप सभी लोगों को पता है कि हमने 2 को पहला केस किया था, तो आज जो है हम एक दिन में 4 केस किया है, तो ये हम अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। सर, ये अपील क्या करना चाहेंगे स्थानीय जनता से कि अब जैसा कि अब दोबारा से यहाँ पे इस तरह से केसेस आने लगे हैं और अच्छी खासी जेब कटती थी पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में, मगर अब ये सुविधा हमारे सामुदायिक केंद्र पे हो गई है, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि जो जिस चीज के लिए हम मथुरा या भरतपुर हम जा रहे थे और ऑपरेशन करा रहे थे, जिसमें हम प्राइवेट संस्थानों को हम 30,000 से 35,000 रुपए का हमारा सभी का खर्चा आता था, तो वो अब जो है सबका बच जाएगा और हमारे यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध है, हर चीज की सुविधा उपलब्ध है। जैसे अगर किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती वो भी हम कर रहे हैं, ऑपरेशन भी हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। और जिसके लिए हमने अपने क्षेत्र की आशाएं और अपना आशा संगिनी को हमने सबको सूचना भी दे दी है कि अगर कोई भी इस प्रकार के अगर केस आते हैं तो आप उनको CHC लाके दिखवाइए।